आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच ना पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विभोर है। सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायण में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए, वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद, जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा, ऐसे ही इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा, सब नरक रही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब निर्दंभ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारत वर्ष की संतानें हैं।
कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या ये बात बताई, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे। और धर्मरत थे, यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पहर है सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है। सेवा और परोपकार, सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। ये करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही, ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं, और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानता, हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके, प्राणों का बलिदान देके, खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है,
उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है, जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे, अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है, इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय